जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। लखनऊ में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने बीजेपी विधायक योगेश वर्मा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा खुद को दारुआ कहते हैं और विधायक दारू पीने को अपना अधिकार बताते हैं, और उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। और गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देवी पाटन मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु, अनियंत्रित होकर अचानक गाड़ी पेड़ से टकराई और उसके बाद मौके पर ही 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बेंदुली गांव के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। दरअसल सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। देवी पाटन मंदिर दर्शन के लिए ये लोग गाड़ी से जा रहे थे और इसी दौरान गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई और मौके पर 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेजा गया है। बेंदुली गांव के पास ये हादसा हुआ है। घटनास्थल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हादसे के दौरान गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और गाड़ी में सवार 4 लोगों की मौत भी हुई है। गोंडा से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे। दरअसल देवी पाटन मंदिर दर्शन के लिए श्रद्धालु जा रहे थे और इसी दौरान अचानक गाड़ी पेड़ से टकराती है और फिर ये दर्दनाक हादसा हुआ। 4 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले पर जांच जारी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विपिन सिंह हमारे साथ जुड़े। विपिन, जिस तरीके से ये दर्दनाक हादसा हुआ है, फिलहाल पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, किसकी लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है? जी जागृति, आपको बता दें कि ये घटना एटिया थोक थाना क्षेत्र के बिदुली मोड़ की है, जहां पर तेज रफ्तार बुलेरो अचानक अनियंत्रित हो गई और पेड़ से टकरा गई, जिसमें बुलेरो सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चारों को स्थानीय सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां पर हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया और जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने चारों युवकों को मृतक घोषित कर दिया। बड़ी घटना थी, पूरे परिवार में मातम पसर गया, क्योंकि चारों युवक जो कि देवी पाटन मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि जहां पे ये घटना हुई वो दुर्घटना बाहुल क्षेत्र है, वहां पे इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है, लेकिन अधिकारियों की तरफ से वहां पे डिवाइडर बनाया गया, वहां पे संकेत के निशान भी लगाए गए, लेकिन कहीं ना कहीं तेज रफ्तार ने 4 जिंदगियों को अपने आगोश में ले लिया। बड़ी घटना थी, अधिकारी मौके पर पहुंचे और छानबीन की, लेकिन कुल मिलाकर यही निकल के आया कि तेज रफ्तार ने ये घटना को अंजाम दिया। जी जागृति, बिल्कुल। और जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, उसके बाद अब प्रशासन किस तरीके से उस पूरे मामले पर संज्ञान ले रहा है, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि ये जो क्षेत्र है वो दुर्घटना बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर आए दिन यहाँ पर घटनाएं होती रहती है, तो फिर क्या कुछ अब इसके ऊपर संज्ञान लिया गया है? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि ये जो जहाँ पे ये घटना हुई है वो बिदुली मोड़ है, जो कि वहाँ पे आए दिन अक्सर ऐसी घटना हो रही, तो वहाँ पे चूंकि प्रशासन की तरफ से संकेत निशान लगाए गए, डिवाइडर लगाए गए, लेकिन रात का मामला था और ये लोग ये बताया जा रहा है, वहाँ के स्थानीय लोग ये बता रहे हैं कि जो की बुलेरो कार थी वो काफी तेज रफ्तार में थी, इसलिए वो लोग जो डिवाइडर से टकराए, तो चूंकि उनकी कार वो संभाल नहीं पाए और अनियंत्रित हो गई और जाके पेड़ से टकराई। घटना बहुत बड़ी थी। फिलहाल चारों युवकों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, परिवार में मातम पसरा हुआ है। जिले की बड़ी घटना थी, लेकिन अब कुल मिलाकर प्रशासन जुटा हुआ है, उस मोड़ को
कैसे सही किया जाए कि आगे आने वाले में कोई हादसा ना हो, और उस जगह पे इससे पहले कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन अब प्रशासन उस पर बारीकी से जांच कर रहा है। वहां पे अधिकारी पहुंचे हुए हैं, क्षेत्राधिकारी पहुंचे हुए हैं, एसडीएम भी पहुंचे हुए हैं, तो कुल मिलाकर इस घटना को लेकर अधिकारियों ने संज्ञान लिया है। और आगे की क्या कार्रवाई ये तो प्रशासन जाने, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिस तरह से घटना हुई, बहुत बड़ी घटना थी, दुखद घटना थी। चारों बच्चों जो की चारों युवक थे, नौजवान थे, और आज उनके परिवार में मातम पसर गया चुकी मंदिर दर्शन करने जा रहे थे, तो कोई बड़ी घटना थी। जी जागृति, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। गोंडा से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां देवी पाटन मंदिर के लिए मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी अचानक पेड़ से टकराई और इसके बाद चारों लोगों की मौत हो गई। तो वही राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय पर एससी एसटी आयोग के सदस्य नरेंद्र सिंह खजूरी का जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ अधिकारियों का आभार जताया। इस बीच जनता टीवी से एससी एसटी आयोग के सदस्य नरेंद्र सिंह खजूरी ने खास बातचीत की है, क्या कुछ उनका कहना है आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ एससी एसटी आयोग के नए सदस्य बने नरेंद्र सिंह जी खजूरी हैं। आज आप राष्ट्रीय लोकदल की पार्टी में आए हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आप सदस्य बने हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको बधाई। और किस तरीके से आप एससी एसटी आयोग के सदस्य बनने के बाद इन जो तमाम विसंगतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे? जो भी हमें संविधान ने जिम्मेदारी दी है, हम उसका ईमानदारी के साथ निर्वाह करेंगे, और जो एससी एसटी पर जो अत्याचार होंगे उनको राहत दिलाने का काम करेंगे, और जो पीड़ित होगा उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। जो जिम्मेदारी हमें आयोग ने सौंपी है, हम उसका भरपूर निर्वाह करेंगे। देखा गया है कि लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक विपक्ष लगातार जो है वो दलित और पिछड़ों की बात उठाता रहा है, कहा जाता है कि इस सरकार में लगातार अन्याय हो रहा है, किस तरीके से विपक्ष के बयान को देखते हैं? अगर आंकड़े देखो आपसे पूर्व की सरकारों के, उन आंकड़ों में कमी आई है, और विपक्ष का काम है कहना, समझे? निश्चित तौर पर योगी जी की सरकार ने अपराधों में एससी एसटी पे, दलितों पे अत्याचार कम हुए, उससे पहले बहुत काफ़ी अत्याचार होते थे। कानून व्यवस्था को लेकर भी अखिलेश यादव काफ़ी सवाल उठाते रहे हैं, कल अमेठी में एक ही परिवार के चार लोग की हत्या हो गई। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को हमेशा विपक्ष सवालियों घेरे में खड़ा करता है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को आप देखते हैं? निश्चित तौर पर ये जघन्य अपराध है, जो एक ही परिवार के चारों लोगों को मार दिया गया। इसमें आज हमारे आयोग के अध्यक्ष और हमारे सदस्यगण मौके पर जा रहे हैं और पीड़ित परिवार से मिलने का काम करेंगे, और उनको न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और निश्चित तौर पर ये बहुत ही जघन्य अपराध है, और इसकी हम कठोर निंदा भी करते हैं और मांग करते हैं कि बहुत मजबूती के साथ उन लोगों को कटघरे में लाया जाए और उन्हें फांसी की सजा हो। तो ये थे हमारे साथ एससी एसटी आयोग के सदस्य नरेंद्र सिंह खजूरी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अमेठी में जो वारदात हुई है उसमें दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ आयोग के सदस्य बने हैं और जो विसंगतियां अब तक रह चुकी हैं उनको दूर करने का भरपूर प्रयास करेंगे, उन्होंने हमसे कहा। जनता टीवी के लिए राजधानी लखनऊ से साथी आशीष कश्यप के साथ विवेक शाही। तो भाई, लखनऊ के आयुष विभाग के होम्योपैथी डिपार्टमेंट में कई प्रकार की अनियमितताएं लगातार सामने आ रही हैं। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता से होम्योपैथी डॉक्टर ओम प्रकाश ने खुलकर बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। इस समय हमारे साथ डॉक्टर ओम प्रकाश हैं, हम आपको डॉक्टर साहब का परिचय देते हैं। ये आयुष विभाग में होम्योपैथिक संगठन के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं 2005 से 2009 तक, और कई मामलों को लेकर एक बड़ा सवाल जो है वो उठा रहे हैं। बात की जाए तो दिल्ली और राजस्थान में होम्योपैथी के जो चिकित्सक हैं, जो चिकित्सा अधिकारी हैं, उनके रिटायरमेंट की उम्र 62 साल है। उत्तर प्रदेश में इसकी उम्र कम है, हालांकि 60 साल है। हालांकि राजस्थान और दिल्ली का उदाहरण दे के जो चिकित्सा अधिकारी हैं उन्होंने ये अप्लीकेशन दायर की थी राज्य सरकार में कि उनकी भी जो रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जाए। हालांकि कोर्ट ने उनकी बात सुनी, लेकिन विभाग ने उनकी बात नहीं सुनी, आयुष मंत्रालय ने उनकी बात नहीं सुनी। तमाम ऐसे मुद्दे हैं
होम्योपैथिक डिपार्टमेंट के जो वो हमसे साझा करेंगे और कहीं ना कहीं वो ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करते हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर ओम प्रकाश जी। थैंक यू। ऐसा है कि हमारे विभाग में कम से कम जो है भाई, जब कहीं भी आदमी ये होता है, क्या कहते हैं, कहीं अन्याय होता है तो हम उसको जाते हैं न्यायालय में। हमारे जो है चिकित्सा अधिकारीगण 62 वर्ष एज करने के लिए राजस्थान और दिल्ली के पैटर्न पर वो गए कोर्ट। कोर्ट ने इनकी बात सुनी और कहा कि भाई ठीक है, इनका जो है 62 वर्ष के लिए, लेकिन विभाग ने नहीं माना। ये लोग कंटेम्प्ट गए। कंटेम्प्ट के बाद जो है इनको बुला बुला करके सबको लिखवाया गया कि मैं अपनी रिट वापस लेता हूँ। सब ने रिट वापस ले ली, लेकिन उसके बावजूद भी सारे चिकित्सा अधिकारी जो कोर्ट में हैं और जो कार्यरत हैं, जो रिटायर हो गए वो तो बात अलग है, जो कार्यरत हैं उनको सबको जो है सस्पेंड कर दिया गया। करीब ऐसे चिकित्सा अधिकारियों की संख्या 18 है। कारण क्या बताया गया? कारण कोई कुछ नहीं बताया गया। उसमें से प्रशासनिक अधिकारी जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, क्लास 1 अधिकारी हैं, उनको मरीज देखने के लिए महत्वाकांक्षी जनपद जो नीति आयोग ने 2018 में घोषित किया था और हर साल यूपी गवर्नमेंट भी अपने ट्रांसफर वो में नीति में कहती है कि इन 8 जनपदों में सारे पद भरे होने चाहिए, लेकिन हमारे विभाग में सिद्धार्थनगर में 8 जगह खाली हैं। और यहाँ जो संयुक्त निदेशक थी सुमन रहेजा, उनको सिद्धार्थनगर जिला अस्पताल में भेजा गया यह कह करके कि वहाँ जो है मलेरिया और डेंगू फैला हुआ है, आप जा करके वहाँ देखें। इसी तरह नई भर्तियाँ नहीं हुई और दूसरे लोगों को वहाँ का प्रभारी या फिर उसे संबंध कर दिया। और निदेशालय में कम से कम 25-30 लोग जो है संबद्ध किए गए हैं, जबकि गवर्नमेंट का ये है कि हम ग्रामीण चिकित्सा को सुदृढ़ करेंगे और ग्रामीणों के सारे डॉक्टर जो है हमारे निदेशालय में या हाईकोर्ट में या कहीं कहीं जो है अनावश्यक कामों लगाए गए हैं काउंसलिंग में, जो कि बिल्कुल गलत है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डायरेक्टर क्लास 1 अधिकारी के अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है शासन होता है, राज्यपाल होते हैं। हमारे डायरेक्टर महोदय क्लास 1 अधिकारियों को जो है मैंने अपने मनमाने तरीके से वहाँ जहाँ तहाँ चारे भेज रहे हैं और सस्पेंड कर रहे हैं। 2 लोग डॉक्टर राकेश वाजपेयी और डॉक्टर रामविलास विशाल तिवारी, ये कोर्ट के आदेश से ही ज्वाइन किए थे, शासन ने आदेश किया था, उसके बावजूद भी इनको सस्पेंड कर दिया गया। शासन का आदेश दरकिनार कर रहे हैं। हाँ, शासन का आदेश दरकिनार करके इनको पहले संबद्ध किया गया और कहा गया कि आपने ज्वाइन नहीं किया, उनको वो कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। तो यह जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आखिर ये लोग जाएं कहाँ, न्याय के लिए कोर्ट ही ना होता है और जबरदस्ती बुला करके इनको किया जा रहा है और डायरेक्टर इसको कर रहे हैं। डायरेक्टर को ये अधिकार ही नहीं है कि क्लास 1 अधिकारी को वो कहीं संबद्ध करें जो प्रशासनिक पदों पर हैं। डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा है जी, और वो मनमानी कर रहे हैं। निदेशालय में तमाम चिकित्सा अधिकारियों को संबद्ध कर रखा है, ग्रामीण चिकित्सालय बिल्कुल धराशायी हैं, कोई मरीजों को कोई फायदा नहीं उसका। अब बताइए, हमारे यहाँ 1583 चिकित्सालय, करीब 1200 ही भरे हैं चिकित्सा अधिकारी और सब पद रिक्त हैं, फार्मासिस्टों के पद रिक्त हैं, और उसमें भी करीब 50 को जो है इधर उधर उधर कुल जो है इन्होंने संबद्ध कर रखा है। डॉक्टर साहब पर आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आपके पास साक्ष्य वगैरह होगा इसका? बिल्कुल साक्ष्य है। देखिए, डायरेक्टर साहब ने आपको बताऊँ मैं, ये है आज डॉक्टर अलका कपिल, ये चित्रकूट में CMS हैं क्लास 1 के पद पर, इनको भेज दिया गया है गौतम बुद्ध नगर। ये मरीज देखेंगे, ये प्रशासनिक पद है 5 ना, लेकिन अब ये मरीज देखेंगे। उसी तरह से ये हैं महत्वाकांक्षी जनपद के नाम पर है, ये डॉक्टर संगीता भाटिया, ये गोंडा में थी, गोंडा में डॉक्टर संगीता भाटिया, इनको भी जो है भेज दिया गया है कहाँ, मुर्का, चित्रकूट में भेज दिया गया। दो ये देखिए, और जो है ये हैं सिद्धार्थनगर, ये महत्वाकांक्षी जनपद के नाम पर, ये सुमन रहेजा, ये संयुक्त निदेशक हैं, इनको जो है महत्वाकांक्षी जनपद के नाम पर जो भेज दिया गया वहाँ सिद्धार्थनगर, और सिद्धार्थनगर में अभी भी 8 पद खाली हैं चिकित्सा अधिकारियों के, जबकि नियमानुसार सब भरे होने चाहिए। उसी तरह से देखिए, एक जो है बांदा भी वही जनपद है, वहाँ से एक डॉक्टर साहिबा को प्रयागराज में हाईकोर्ट में भेजा गया, जबकि 2 लोग जो है पहले से वहाँ हाईकोर्ट में केस देख रहे हैं। ये भी साबित करता है कि अपने विभाग में अन्याय बहुत ज़्यादा है, कोर्ट केस बहुत ज़्यादा। ये हो गया। और ये देखिए, ये जो है
वो हैं क्या नाम है ये एक वहीं सिद्धार्थ नगर से ही एक डॉक्टर को यहाँ आई सोसाइटी में लगा दिया गया 23 में, तब से वो अस्पताल खाली है। ये माने मेरा ये कहने का मतलब ये तो केसेज हैं कि बहुत ही मनमानी डायरेक्टर साहब कर रहे हैं और ये हो रहा है। इस तरह से क्लास वन अधिकारियों को डायरेक्टर कैसे कर सकता है, मूल प्रश्न है। और मूल प्रश्न ये है कि आदमी न्याय के लिए कहाँ जाए। जब आपने ये पूरी बात जो है वो विभाग के सामने रखी होगी, डायरेक्टर के सामने रखी होगी, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है, विभाग की क्या प्रतिक्रिया है? हम चूंकि रिटायर्ड आदमी हैं, है ना, हम विभाग के सामने कहाँ प्रश्न रखेंगे। डॉक्टरों ने रखा तो सस्पेंड हो गए, हमारी बात कहाँ सुनेंगे वो। दिक्कत ये है डायरेक्टर साहब सुनते उनते नहीं, अब किस हिसाब से किस पृष्ठभूमि में किस बल पर ये कर रहे हैं काम, ये आश्चर्यजनक है। मैंने होम्योपैथिक चिकित्सा को एकदम उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। मेरा आरोप आरोप नहीं, ये प्रमाण है। क्या नाम बताया आपने निदेशक साहब? डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा। तो ये हमारे साथ डॉक्टर ओम प्रकाश जी हैं, जो आयुष विभाग में जो होम्योपैथिक डिपार्टमेंट है उसके जो डायरेक्टर हैं वर्मा जी, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं साफ तौर पर कि किस तरीके से वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। साथ ही जो लोग हैं, जो स्टाफ है उनका, जो उनका खुद का स्टाफ है, उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। कई लोग सस्पेंड हो चुके हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने हक की बात कर रहे थे। राजधानी लखनऊ से सहयोगी आशीष के साथ विवेक शाही, जनता टीवी। तो वही हापुड़ में झोला छाप डॉक्टर का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ सड़कों पर डॉक्टर्स लगातार उतर रहे हैं और इस दौरान डॉक्टरों ने जमकर नारेबाजी भी की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार के खिलाफ डॉक्टर सब प्रदर्शन तक पर उतर चुके हैं। डॉक्टरों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की और आपको बता दें कि इस दौरान हिरासत में झोला छाप डॉक्टर को लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग होश में आओ के नारे लगाए गए हैं और डॉक्टरों ने तहसील के बाहर ये प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि डॉक्टरों ने तहसील पर भी जाम लगाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, हापुड़ में झोला छाप डॉक्टर का प्रदर्शन देखने को मिला, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और डॉक्टरों ने तहसील चौपाल पर भी जाम लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ डॉक्टर सड़कों पर उतरे हैं और ये तस्वीरें जहां डॉक्टरों ने जमकर नारेबाजी भी की और आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं हापुड़ की और इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। स्वास्थ्य विभाग होश में आओ के नारे लगाए गए और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हापुड़ की। तो वही नवरात्र में सब्जियों के दामों में भारी उछाल आ गया है जिसकी वजह से आमजन और दुकानदारों की काफी परेशानी बढ़ गई है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है, ये देखिए। बार फिर से सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं और नवरात्र का पर्व शुरू हो गया है। शारदीय नवरात्र में सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। जहाँ टमाटर 100 के पार है तो लहसुन 400 रुपए के पार और अदरक 150 के पार है। मैडम, आप लोग यहाँ सब्जी खरीदारी करने आई, जो दाम बढ़े इसका रसोई पर कितना असर पड़ा, क्या कहिएगा? भैया वो तो हमारे लोग की अपनी परेशानी कोई थोड़ी सॉल्व करने आएगा, बड़े तो है ये सब चीज के दाम बढ़ गए हैं तो एक किलो की जगह आधा किलो खाएंगे। देखिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है कि किचन का जो स्वाद बिगड़ा है उसमें जो ग्रहणी, उनका कहना है कि जो हम एक किलो खरीदते थे वो आधा किलो खरीद के खाएंगे। फिलहाल और लोग भी यहाँ पे खरीदारी करें, उनसे बात करेंगे। भाई जब आप लोग यहाँ खरीदारी करना है, सब्जी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सब्जी के दाम एकदम आसमान छू लिए हैं। जो टमाटर 20 रुपए किलो मिलता था वो टमाटर 120 रुपए किलो हो गया है। लहसुन 400 रुपए किलो हो गया है। अदरक 200 रुपया किलो हो गया है। भिंडी जो 10 रुपए किलो 20 रुपए किलो बिकती थी वो भिंडी इस समय 60 रुपए 70 रुपए किलो हो गई है। बजट पूरा खराब हो चुका है, परेशानी काफी हो, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ दुकानदार भी बात करेंगे, ये बताइए जो सामान के दाम बढ़े हैं, अब ग्राहक किस तरह से बाजार में कितनी बिक्री हो रही, क्या असर पड़ा है? बिक्री तो भैया कम हो ही गई है। हम लोग 1 किलो 2 किलो ले जाते हैं तो आधा किलो कॉले जा रहे हैं, ऊपर हम लोग भी काफी हो रहा है। कहीं ना कहीं दुकानदारों का भी नुकसान हो रहा है और ग्राहक भी
जिस तरह से आ रहे हैं वो भी परेशान है महंगाई के कारण। फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं बाजारों में सब्जी की दुकानें सजी हुई हैं, नवरात का पर्व है। फिलहाल और लोग से बात करेंगे, आप लोग यहाँ खरीदारी करने आए थे, कितनी महंगाई कितनी समस्या लग रही है? समस्या बहुत है, सब्जी जो इस समय महंगी हुई है वो आम नागरिकों की पहुंच से बहुत दूर हो गई है। देखिए सब्जी आम नागरिकों की पहुंच से दूर हो गई है और बाजार में जिस तरह से भीड़ यहाँ मंडी में होती थी मगर अब सन्नाटा है और इक्का दुक्का लोग सब्जी खरीदने आ रहे हैं, जबकि नवरात का पर्व है और नवरात में सबसे ज्यादा सब्जियों की खपत होती है। मगर जिस तरह से महंगाई बढ़ी है इससे कहीं ना कहीं अब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि किस तरह से आगे सब्जियों के दाम कम होते हैं या इसी तरह से बढ़ते रहते हैं। मगर सब्जी के दाम बढ़ने के पीछे की अगर वजह देखी जाए तो जो पीछे से बाढ़ का पानी आ रहा था उससे पूरी खेती भी खराब हुई है, जिससे कि काफी नुकसान भी हुआ है और जिसको लेकर अब सब्जी बाहर से आ रही है जिसके वजह से ये दाम भी बढ़े हुए हैं। फिलहाल अब लोगों को कब राहत मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और चलिए रुख कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लगी है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो चुका है। मोदीनगर रोड स्थित आरएसी फैक्ट्री में ये आग लगी है। सूचना पर दमकल विभाग की टीम पहुंची है। हापुड़ की फैक्ट्री में आग का तांडव देखने को मिला है, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और ये तस्वीरें भी घटनास्थल की, जहां आग का भीषण तांडव देखने को मिला। दरअसल आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गत्ता फैक्ट्री थी जिसमें अचानक आग लगी और सूचना के बाद मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची। आग बुझाने का काम लगातार जारी है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की, जहां पर राहत बचाव का काम लगातार जारी है। मोदीनगर रोड स्थित आरएसी फैक्ट्री में ये आग लगी है, जो कि एक गत्ते की फैक्ट्री थी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण किया। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है और आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। हापुड़ की फैक्ट्री में आग का तांडव देखने को मिला है, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। घटनास्थल की ये तस्वीरें और मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद, लगातार आग बुझाने का प्रयास जारी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हापुड़ से, बड़ी जानकारी, जहां एक गत्ता फैक्ट्री में आग लगने की वजह से मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमन त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। अमन, हम ये तस्वीरें देख पा रहे हैं जो गत्ता फैक्ट्री में आग लगी है, फिलहाल अगर पता चल पाया हो क्या कुछ इसके पीछे वजह रही और फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल जागृति, जैसे आपको बता दूं कि मामला जनपद हापुड़ के कोतवाली नगर का है, जहां पर ये एक बदनौली गांव पड़ता है जहां पर ये गत्ता फैक्ट्री है और गत्ता फैक्ट्री में जब आज मजदूर काम कर रहे थे तो यहां पर अचानक आग लग जाती है। हमें तो देखिए लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी, जिस पर दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। देखिए बताया जा रहा है सूत्रों की माने तो ये भी बताया जा रहा है कि इसमें हर साल जो है आग लगती है और जबकि इसमें सेफ्टी उपकरण भी जो है मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री है उसकी बड़ी लापरवाही है, किसी भी तरह से वो जो है इस पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं फैक्ट्री की बड़ी लापरवाही होगी। अमन, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि दिन दहाड़े ये आगजनी की घटना हुई है और आपने जिस तरह से बताया कि यहाँ पर कई लोग भी काम करते हैं, क्या इस आगजनी में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल जानकारी, देखिए आपको बता दूं कि यदि बात की जाए मजदूरों की तो वहां पर कोई भी हताहत होने की कोई अभी जो है जानकारी नहीं मिली है। हालांकि देखिए लाखों का सामान जलकर वहां पर खाक जमी हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।